नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी बॉय यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट्स के बारे में। आप लोगों को बता दें कि जेकेबी की रिक्रूटमेंट्स की साइड टोटली क्लोज कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं जेकेएसएसबी यानी कि जेकेबी के फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो गई है 5 बजे से। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। आखिरकार हमें लास्ट में 3 बजे से लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि हमारा फॉर्म फिल कर दो। लगभग 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फॉर्म नहीं फिल हो पाया उनकी खुद की कमजोरी की वजह से, या उनकी खुद की जो भी दिक्कत होगा, जब पेमेंट का इशू होगा उनके पास, या किसी कारण से वो डिले रहे। बाकी आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है वो लक्की स्टूडेंट्स हैं और वेट कर रहे हैं अपने रिटन एग्ज़ाम का। अगर आप लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, अभी तक जेकेपी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लड़कियों का ग्रुप भी है, लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का अलग ग्रुप है। 96 83 56 11 50 रुपये डाल के ग्रुप की एंट्री लेनी है और ग्रुप में स्टडी मटीरियल का फ़ायदा उठाना है। आपको बता दें कि जेकेबी की साइट बंद हो गई है। ये ग्रुप मात्र जेकेएसएसबी यानी कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट्स है वहाँ इस ग्रुप में जम्मू कश्मीर के रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स के मटेरियल, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, पैटर्न डाला जाता है। जैसे अभी फॉरेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड या विल लाइफ गार्ड का फॉर्म फिल किया, वो भी स्टूडेंट इस ग्रुप में विजिट करें, और साथ में जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वगैरह वाले भी, ठीक है, क्योंकि जे एंड के रिलेटेड है। जे वो अलग बात है, बट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट्स की कि लगभग कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। लगभग आपको बता दें कि 3 लाख 4 हज़ार 4 लाख के आसपास जो है वो ऑनलाइन ग्रीवेंस के जरिए कुछ दिन पहले पता चला था, बट आपको बता दें कि स्पीड काफ़ी डाउन हुई है। उसके बाद हम लगातार फॉर्म फिल कर रहे थे, आज कुछ ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो आपको बता दें लगभग 4 से 5 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं, उसमें से आपको बता दें कि 1 लाख 50 हज़ार तक तो एबसेंट रहते हैं बच्चे, क्योंकि जब बड़ी रिक्रूटमेंट्स होती है फिर ऐसा ही मसला होता है। तो इसलिए आप लोगों को फॉर्म की तरफ ध्यान नहीं देखना, आप लोगों को सिलेबस पैटर्न की तरफ ध्यान देना है। अभी तक सिलेबस पैटर्न नहीं जारी हुआ, बट जेकेएसएसबी ने पहले अनाउंस किया है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओएमआर वेज रिटर्न एग्जाम होने की मैक्सिमम उम्मीद है। तमाम स्टूडेंट्स को पता ओएमआर वेज रिटर्न क्या होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया ओएमआर वेज पे, तो आपका जरूर हम टाइमली अपडेट कर देंगे। तो ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज हमने क्वेश्चन लॉगरिथम के बारे में पूछा था, वैल्यू ऑफ लॉग टेन की वैल्यू 1 रहती है। फिलहाल एक बार कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैथ के रिलेटेड बात की गई है। तो आपको बता दें कि अभी हम अपने ग्रुप को थोड़ा सा एक्टिव करेंगे, क्योंकि अब हम जेकेपी के फॉर्म फिल करने में बिजी थे, अब हम टोटली फ्री हो चुके हैं। अब सिर्फ एसएससी जीडी वगैरह के फॉर्म फिल करेंगे, वो थोड़े थोड़े है, उसका कोई मसला नहीं है। जेकेपी का फॉर्म थोड़ा लेंथी था, उसकी वजह से काफ़ी सरदर्द था, बट सुप्रीम कमांडर आर्मर्ड फोर्स के कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस बच्चों के माइंड में मिलता है। अभी आपको बता दें कि बहुत ही बढ़िया काम हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करने वाले हैं। मात्र 50 रुपये लेके 50 रुपये की PDF आपको मिल चुकी है, प्रॉपर रिस्पेक्ट डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही बढ़िया PDF, अच्छे मात्र बढ़िया। आप लोगों को आपको बता दें कि अभी अपनी तैयारी करनी है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा नवंबर महीने में कि नहीं होगा। आपको बता दें कि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौरान भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल वगैरह हो रहा है, एसएससी जीडी के फॉर्म लग रहे हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ J&K में है। तो आपको बता दें कि जहाँ पर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में क्या रहने वाला है आपका, उसका फिजिकल जो फॉरेस्टर वाला है ना, एक ही महीना आपके पास है। सितंबर महीना मतलब चल गया है, सितंबर आप लोग ख़त्म ही समझो, आपके पास सिर्फ अक्टूबर महीना बचा है। आप लोग अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में जेकेएसएसबी एडिट ऑप्शन जारी करने वाला है, जहां फिर एडिट ऑप्शन जारी करेगा, जहां फिर सिलेबस का अनाउंसमेंट कर देगा, ठीक है। जैसे ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसी टाइम हम ग्रुप में डाल देंगे, उसे एनालाइज डीपली करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस कुछ PDF ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ग्रुप जरूर विजिट करें अगर आपने फॉर्म फिल किया, अगर नहीं किया है तो फिर रहने दें, ठीक है। बाकी जिन्होंने एसएससी जीडी का उम्र है वो एसएससी जीडी वाला इंस्टा आईडी हमारी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बच्चों ने फॉलो की है, आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। एक बड़ी एक मेजर वैकेंसी है, लगभग 24,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो वही 24,000 कौन कैंडिडेट्स हैं, उन 24,000 में क्या आप लोग हैं, क्या है, आपको बता दें कि आपका कंपटीशन अपनी कैटेगरी से है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, आपको किसी डिस्ट्रिक्ट से लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी से मतलब है। आपको सिर्फ OBC SC ST जनरल ALC RBA से मतलब है, इसलिए आपको बता दें कि डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में विभाजित हो जाएंगे आप लोग, इसलिए आप लोगों को कंपटीशन अपनी कैटेगरी से है। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है सभी स्टूडेंट्स को। आपको बता दें कि कैटेगरी वाइज काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बट गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी बढ़िया आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है।
ST1 हो गया, ST2 हो गया, उधर OBC में बढ़ जाएंगे, ALC IB कैटेगरी ही बहुत है, उसकी वजह से आपको बता दें कि कट ऑफ पर काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट्स को इस रिक्रूटमेंट से कंपेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। JKSSB की रिक्रूटमेंट्स अलवेज डिफरेंट रही है और अलवेज कट ऑफ डाउन ही रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस के एग्ज़ाम या अकाउंटेंट असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो उनकी वैकेंसी को लेकर और उनकी वैकेंसी को चेक किया के अनुसार आप लोग बोल सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो पीछे आई थी 1200 वैकेंसी थी, बॉर्डर बटालियन की 1200 वैकेंसी थी, उसके बाद आपको बता दें कि FA की 900 वैकेंसी थी, वुमेन सुपरवाइज़र की बात करें तो अभी तो उसका नहीं निकला, तो इसलिए आपको बता दें कि वैकेंसी की मात्रा ही 1200-1500 होगी तो उसका कट ऑफ कितनी रेंज पकड़ेगा। तो इसलिए आपको बता दें कि वैकेंसी जहाँ पर 4000 प्लस है और ये कट ऑफ की रेंज डाउन ही पकड़ने वाला है, इसलिए आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर दें, अपने टाइम टेबल को अंजाम दें। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तमाम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, बट आपको बता दें कि एडवांस में अगर आप मैथ को रीड करेंगे, एडवांस में रीजनिंग के टॉपिक को रीड करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोग एग्ज़ाम आने तक भूल भी जाएंगे। इसलिए आप लोग मैथ के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक को पीछे छोड़ के अपनी जनरल नॉलेज, रीजनिंग और जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री कल्चर्स को आगे बढ़ाएं, ताकि आप लोगों का जो है, आपको बता दें कि एकदम से आप लोग सोचते हैं कि हमें एक ही दिन में या दो ही दिन में सब कुछ आ जाना चाहिए, हमें पॉलिटिकल भी आ जानी चाहिए, हमें हिस्ट्री भी आनी चाहिए, हमें सब कुछ एक ही दिन में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको एक टॉपिक वाइज, एक क्वेश्चन वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाले हैं, MCQ दिन रात अभी ग्रुप में काम करने वाले हैं। आपको पता है हाई अलर्ट पर जब ग्रुप करेंगे, जब बहुत ही बढ़िया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिंक हमने डाले हैं, बेसिक रीजनिंग के, मैथ के कुछ क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको बता दें कि बहुत ही जरूरी है। एक और क्वेश्चन फायर एक्सटेंशन क्वेश्चन के बारे में कल परसों से ज़्यादा ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है JKP का काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा हुआ था हमारे पास, उसकी वजह से अब हम थोड़ा बहुत फ्री हैं, बाकी बेसिक फॉर्म ऑलरेडी फिल करेंगे जो भी लगते हैं छोटे मोटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। हमारा टारगेट जम्मू कश्मीर पुलिस है और इस पर हम दिल से काम करेंगे, और उसके बाद हमारा SSC GD पर दिल से काम करेंगे, इंडियन आर्मी अग्निवीर पर काम करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो जो मेजर रिक्रूटमेंट्स आती है हमारे पास, अलग अलग ग्रुप हैं, SSC GD का अलग ग्रुप है और JKP का अलग ग्रुप है, दो ही ग्रुप हैं लड़कों के लिए और एक नोटिफिकेशन वाला लड़कों के लिए, तीन ग्रुप है हमारे पास, तीनों ग्रुप की एंट्री 130 रुपये है, जे ग्रुप एंट्री वन टाइम होती है। ओके ओवर। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कहीं फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं, जिनकी मिस्टेक है ना वो डीमोटिवेट ना हो, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हम JKSSB के ऑफिस में खुद विजिट कर चुके हैं, वर्का वहाँ पर बहुत ही बढ़िया बंदे लगे हुए हैं, हमने एक एक चीज़ मैंने कुछ वहाँ पे पूछ के आया हूँ, सब कुछ क्लियर करके आया हूँ, तो डीमोटिवेट नहीं होना। हमारा नंबर आपके सामने है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर में कॉल मैसेज पेमेंट करके आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि किसी भी स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा किसी भी कारण से, चाहे आप लोगों ने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है, गोरखा कम्युनिटी में जसार नो कर दिया है, जहाँ आप लोगों का कोई भी नाम शाम, अगर आपका मान के चलो आपके नाम में भी मिस्टेक हो गई है, मदर नेम में भी मिस्टेक हो गई है, तो लास्ट में एफिडाप्ट दे के वो भी क्लियर हो जाती है। सिर्फ इस समय आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस करें, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करें और 4000 में से एक वैकेंसी को निकाल के अपनी नौकरी पक्की करें। बाकी फैसिलिटी, सैलरी और प्रमोशन, इन सभी के बारे में बता चुका हूँ, अगर दोबारा से एक आधी वीडियो चाहिए तो जरूर आप लोगों को बताएंगे। आपको बहुत ही बढ़िया फोर्स आपको देखने को मिल रही है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, चाहे आप लोगों की फोटोग्राफी, ड्राइवर की पोस्ट, आर्मर्ड एग्जीक्यूटिव, SDRF, डिफरेंट टाइप की पोस्टें हैं, क्या क्या काम होता है, क्या क्या ड्यूटी होती है, क्या छुट्टी होती है, क्या सिस्टम है, पूरी जानकारी एक अलग सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोगों को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बता दें कि लगातार वीडियो और अपडेट के लिए बने रहें JKStudent.DeshiBhai इंस्टाग्राम ID के साथ साथ यूट्यूब चैनल और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में, ये वो ग्रुप बहुत जरूरी है, आप लोग जरूर विजिट करें।